स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में धुआं धुआं होते हुए देख रहे हैं। कहां पर ये सब कुछ हो रहा है? ये सब कुछ भारत के एक दोस्त आर्मेनिया के घर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया ने रूस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके वजह से ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ इस तरीके के हालात बने हुए हैं आर्मेनिया के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ अब जयशंकर को लेकर चाइना ने रोना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्मेनिया जब अलग हुआ रूस से, तब रूस ने एक सुरक्षा समझौता किया था सोवियत संघ के देशों के साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे देश टुकड़ों में बट गए थे। टुकड़ों में बटने की वजह से इन देशों को लगा कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। रूस ने यहाँ एक एग्रीमेंट सबके साथ साइन किया, CSTO। लेकिन जब पिछली लड़ाई नारगोनो काराबाख को लेकर हुई, आर्मेनिया दौड़े दौड़े रूस के पास पहुंचा और रूस ने CSTO के तहत उस समय मना कर दिया। और कैसे मना किया? तो रूस ने ये कहा कि देखिए, ये मेनलैंड पर यानी मुख्य भूमि पर नहीं हुआ है हमला, ये हमला विवादित नारगोनो काराबाख इलाके में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये विवादित है। जब ऐसा कहा तो एक बड़ा झटका लगा आर्मेनिया को। आर्मेनिया को ये झटका लगा उस तभी से तय हो गया, रूस का ना कहना आर्मेनिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। आर्मेनिया उसी साल ये सोच चुका था कि रूस के साथ रिश्ते को नहीं रखना है। और अभी भी क्या हुआ कि रूस उस तरीके से आर्मेनिया को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखा, बल्कि अजरबैजान को सपोर्ट करता हुआ ज्यादा दिखा। अब ऐसे में आर्मेनिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये जो सीन देख रहे हैं, ये सारा सीन उनके संसद के बाहर का है, और इसमें आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम CSTO में रहकर क्या फायदा करेंगे, CSTO से तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं, धीरे धीरे करके हमारी जमीनें अजरबैजान कब्जाता जा रहा है और रूस इसे बैठकर देखता रह रहा है, तो ऐसे में हमें CSTO की जरूरत ही नहीं है और हम CSTO में अब शामिल नहीं होंगे। अब आपके मन में ख्याल हो रहा होगा कि जनता आखिर ऐसे भड़की क्यों है। तो जनता ये सोच रही है कि अगर अब तो मुख्य भूमि में भी आराम से हमला कर देगा अजरबैजान, और अब मुख्य भूमि में भी हमला हो जाने से चूंकि अब कागज से निकल चुके हैं, तो रूस हमारी कोई मदद करने नहीं आएगा। तो ये जो पूरा तामझाम देख रहे हैं आप, ये जो विरोध प्रदर्शन वगैरह देख रहे हैं, तो ये स्थिति हमारे लिए और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये तो खुली छूट मिल जाएगी अजरबैजान के लिए, तो ये खुद में डर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ये फैसला तो ले लिया है, पर इस फैसले के साथ साथ ये भी डर फैल रहा है कि आगे क्या होगा और आगे हथियारों की आपूर्ति कौन करेगा। अब कहा जा रहा है, वैसे तो भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर है, भारत को यहाँ हथियारों की आपूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी समय से भारत आर्मेनिया को हथियार दे रहा है। तो दरअसल आर्मेनिया किसकी तरफ देख रहा है? आर्मेनिया देख रहा है भारत के तरफ, फ्रांस के तरफ और कहीं ना कहीं अमेरिका के तरफ देख रहा है। यही वजह है कि इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से चीजें निकलती चली जाएं और रूस के साथ संबंध और भी ज्यादा खराब होते चले जाएं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। काफी समय तक चाइना उथल पुथल के बीच में रहा, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या आगे चलकर होगा। पर आखिरकार हमने आपको कल बताया था कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के बाद जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुप्पी साधी हुई है, शी जिनपिंग की ओर से मोदी को बधाई का कोई संदेश नहीं दिया गया है, पर यहां पर ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री के तरफ से आया है बधाई संदेश, चाइना के प्रधानमंत्री ने बधाई दिया है। चीन की ओर से सफाई भी देने की कोशिश की गई है, चीनी दूतावास ने भी यहाँ पर बधाई दिया है। पर ये जो देख रहे हैं
आर्टिकल, ये आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल। इस आर्टिकल में अब ग्लोबल टाइम्स ने कई तरह की बातें कहनी शुरू कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के कैबिनेट को लेकर एक बड़ी बात कही और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत का कैबिनेट इस वक्त दिख रहा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भारत के विदेश नीति में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ है। भारत का विदेश नीति उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पहले चलता था। अब चाइना को लेकर भी इन्हें समझ में आ गया है कि चाइना को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आते ही भारत ने दो काम किए। पहली बात, ताइवान को रिप्लाई दिया, जवाब दिया, और जवाब देने का मतलब है कि सीधे सीधे चाइना के वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करना, और चाइना ने इसको लेकर विरोध भी जता दिया। उसके बाद दूसरा काम ये नई सरकार ये कर रही है कि तिब्बत के बहुत सारे इलाकों का नाम बदल रही है, 30 इलाकों का नाम बदल रही है, इसका अप्रूवल भी दे दिया गया है। और ये चीज ये दिखला रहा है कि भारत पहले की ही तरह आक्रामक है। ग्लोबल टाइम्स ने इस चीज को समझकर इस चीज को लिखा है कि कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है भारत की चाइना पॉलिसी को लेकर। अब इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने कई तरह की बात की है, जैसे कि भारत और चाइना को अपने संबंध सुधार लेने चाहिए, भारत और चाइना को आगे बढ़ना चाहिए, भारत को चाइना की कंपनियों के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, व्यापार को व्यापार की तरह चलते रहने देना चाहिए, चाइना के साथ होड़ नहीं लगाना चाहिए और इस दिशा में बढ़ना चाहिए जिससे कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार आए। पहली बात कि चाइना के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ऐसी ही बातें सुनने को मिली थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार आए। तो यहाँ कुछ चीजें तो साफ होती हुई दिख रही हैं और उन साफ होती हुई चीजों में एक चीज साफ है कि चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है, आने वाले समय में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर से भी जब सवाल किया गया तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम रिश्तों को ठीक करना चाहेंगे लेकिन सारी चीजें द्विपक्षीय तरीके से लाभदायक होनी चाहिए उसी आधार पर। और दूसरी चीज, इन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि आगे आने वाले 5 सालों में वो किन किन विषयों पर काम करने वाले हैं। धीरे धीरे हर कोई जो इस वक्त कैबिनेट में है और वो अपना अपना पोजीशन पकड़ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर के जो बयान हैं वो एकदम साफ सुथरे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बयान भी दिया है कि जो लोग आतंकवाद का सहारा लेंगे वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं और इसलिए हम उसी हिसाब से चलेंगे क्योंकि आतंकवाद कभी भी एक अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर उन्होंने अपनी नीति साफ कर दी है और इसी बात का उल्लेख चाइना अपने ग्लोबल टाइम्स में कर रहा है और इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है, पुरानी नीतियाँ वैसी ही रहेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।